नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने दतिया जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। इसी दौरान ज्ञापन देने आए युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पढ़े लिखे नौजवान अब सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन और ज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा बुधवार को दतिया के जिला कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन काफी समय तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो आक्रोशित युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। ज्ञापन देने आए लोकेंद्र अहिरवार, सामाजिक कार्यकर्ता, और रंजना अहिरवार ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 11 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली गई है। प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं। ऐसे में सरकार वर्ग 3 में शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित कर दे। एक साथ इतनी भर्तियां संभव नहीं हो तो 51,000 पदों को भरा जाए। है कि 11 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई अभी तक, और अभी तक भर्ती आई है तो कोई निश्चित ही नहीं है कि पद कितने हैं। हमारा कहना है सब छात्रों का कि 51,000 भर्ती की जाए, यही हमारी मांग है। मामा जी कृपया करके पूरा करें इनको। है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 11 वर्षों से शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं निकाली गई, तो हम ये चाहते हैं कि शासन सुनिश्चित कर शिक्षकों की भर्ती निकाले। तो इसका ज्ञापन लेकर के हम सभी छात्र जिला कलेक्ट्रेट दतिया में आए हैं। लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 2 लोग आकर के ज्ञापन दे जाएं, जबकि हम सभी छात्रों की यही मांग है कि जो है सब छात्र जो है ज्ञापन देने आए तो सभी की बात सुने जिला प्रशासक माननीय कलेक्टर महोदय, लेकिन वो सुन नहीं रहे हमारी मांग के लिए, ज्ञापन स्वीकार नहीं कर रहे। तो वो ज्ञापन स्वीकार करें, और आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ग 3 में जो शिक्षकों की भर्ती कराई जाती है उसे सुनिश्चित कर दे। जब सुनिश्चित हो जाएगी, लगभग मध्य प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं, लेकिन यही पता नहीं है कि भर्ती निकली कितनी है, कितने पद मध्य प्रदेश सरकार को भरना है। तो हमारी मांग है कि सुनिश्चित करके पदों को भरें, और ये बता दें कि इतने पद हम भरना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार। तो बस हमारी यही मांग है, पूरी हो जाए। 51,000 लगभग हमारी मांग है कि 1.25 लाख खाली है, तो 1.25 लाख तो वे नहीं भर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है। लगभग 11 वर्ष से व्यवस्था नहीं हो पाई, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाई, कोई परीक्षा करावाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं कि 1.25 लाख की नहीं कर पा रहा व्यवस्था, तो 51,000 पदों की व्यवस्था करा ले, और 51,000 पद निकाल के जो है हम सब छात्रों को भलो कर दे मध्य प्रदेश सरकार। और इतने का ही नहीं कर पा रहा है, तो हम शिवराज सिंह मामा के लाने जो है कहेंगे कि कुर्सी छोड़ दे, वो कुर्सी छोड़ दे, हम जैसे छात्रन के लाने मौका दे एक बार बैठवे को, हम उनको बता दें कि शिक्षकों की भर्ती होत का है, कैसे कैसे कराई जाए, जिस इति हमारी मांग थी आपके माध्यम से, तो जो जो है जन जन तक पहुँचावे के लाने हमने आपको ये बातें बताई।